हेलो स्टूडेंट्स, तो नितिन विंडो खोल। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम न्यू पॉइंट डिस्कस करेंगे, न्यू टॉपिक नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स ही हम पढ़ रहे हैं, उसका एक न्यू पॉइंट्स है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो इसको यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है उसको थोड़ा सा हम समझ लें। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स आई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है, वेलोसिटी फ्लक्स भी हो सकता है, टेम्परेचर फ्लक्स भी हो सकता है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी फ्लक्स भी हो सकता है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फ्लो नहीं होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी सरफेस को क्रॉस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी सरफेस को क्रॉस करे तो हम बोल सकते हैं कि उस सरफेस के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, क्या है, फ्लक्स को क्रॉस करे। अब क्रॉस दो तरह से कर सकता है, कोई भी सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकता है, उस सरफेस से डाइवर्ज हो सकता है, इमर्ज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, उस सरफेस पे क्या हो सकता है, कन्वर्ज हो सकता है। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, किसी भी सरफेस से फील्ड लाइंस डाइवर्ज हो और कन्वर्ज हो, जब भी क्या होगा, किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करे, कट करे, तो हम बोलेंगे कि उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एग्जिस्ट है। तो बेसिकली फ्लक्स का मतलब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस द सरफेस, सरफेस में भी क्या होगा, क्लोज होगा और ओपन होगा, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ठीक है, जैसे देखो यहां क्या है, यहां हमने क्या किया है, एक ओपन सरफेस कंसीडर किया है। ठीक है, तो यहां आप ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बेसिकली एक ही हमने कंसीडर किया है, ई इस सरफेस से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और यू बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, इमर्ज होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। क्या हम बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम डिफरेंट सिचुएशंस ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो यहां से, ठीक है, तो यहां क्या होगा, इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई जो होगा दिस विल बी क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आया क्या, फ्लक्स फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग और इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस। तो हम बोलेंगे फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सरफेस से क्या होगा, डाइवर्ज होगा या इमर्ज होगा। ठीक है, समझ में आया। तो उसके बाद और इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पॉजिटिव फ्लक्स। दूसरा डायग्राम आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, इस देखो ये क्या है, एक सरफेस दिया हुआ है, अभी मैं ओपन सरफेस की बात कर रहा हूं, बाद में हम मैथमेटिकल रिलेशन लिखेंगे, पहले आप देख लो कि फ्लक्स का मतलब क्या होगा। ठीक है,
यहां आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, ये सरफेस है, ओपन सरफेस है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस, ये ओपन सरफेस है, क्या है, ओपन सरफेस है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां यहां लिखेंगे पहला पॉइंट क्या होगा, फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, हेंस यहां बोल सकते हैं हेंस फ्लक्स जो का क्या होगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तीसरा केस यहां अभी भी देख सकते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया, ओपन सरफेस, ठीक है, अभी हम ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं, देखो समझना है बेटा इसको, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, एक कोई ओपन सरफेस है, अभी हमने क्या किया, देखो ध्यान से, ये फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या फील्ड लाइंस है, ये ओपन सरफेस है, तो यहां देखो कोई भी फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, कट कर रहा है क्या, कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब कोई भी सरफेस, ठीक है, आप फील्ड लाइंस में रख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, तो सरफेस के ओरिएंटेशन पे जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है, क्या चीज पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस के क्या है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। यहां देखो पॉजिटिव फ्लक्स है, यहां क्या हम बोलेंगे, निगेटिव फ्लक्स है, और यहां क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। इस सरफेस से फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, कन्वर्ज हो रहा है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यदि कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो फ्लक्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि फ्लक्स क्या होगा थ्रू एनी सरफेस में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ द क्या होगा, ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस इन द फील्ड, ठीक है। तो यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, क्या होगा कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिख देते हैं, व्हेन एवर, ठीक है, व्हेन एवर फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग, या फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस, देन देयर इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्या होगा, सरफेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लक्स का मतलब क्या होगा, कि जब भी किसी भी सरफेस के थ्रू या किसी भी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है तब हम बोलेंगे कि उस सरफेस के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। ये तो रहा क्या है, ओपन सरफेस है। अब हम क्लोज सरफेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ेंगे। मान लो कि देखो ये क्या है, सिंपल, यहां क्या है, एक क्लोज सरफेस है, देखो ध्यान से, क्या है, क्लोज सरफेस है, इसमें क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, दिस इज क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस है, तो देखो यहां से फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, रेडियली क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो आप, डाइवर्ज हो रहा है ना, ठीक है, क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो मैं बोलूं कि इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा,
पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यदि किसी भी क्लोज सरफेस के से फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे? फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा यहाँ? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फ्लक्स जो होगा यहाँ, फ्लक्स आई मीन फाई ई क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ आगे हम प्रूफ भी करेंगे, आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होगा क्या होगा? फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज्ड इनक्लोज्ड बाय सरफेस। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब याद रखना है कि फील्ड लाइन जो होगा सरफेस से क्या होगा? इमर्ज होगा। क्या होगा? फील्ड लाइन सरफेस के थ्रू क्या होगा? इमर्ज होगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है ये भी देखा गया कि यदि क्या होगा, क्लोज सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चार्ज का मतलब क्या होगा? नेट चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ क्या हो गया? ये क्लोज सरफेस है तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव हो गया। अब हम यदि ओपन सरफेस देख, सॉरी क्लोज सरफेस में दूसरा केस क्या हो सकता है? ठीक है, आगे इसका हम प्रूफ पढ़ेंगे कि मान लो कि ये क्या है, सरफेस है, कैसा? क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। अरे सरफेस दो ही हो सकता है, क्लोज हो सकता है। यहाँ मान लो कि क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा? फील्ड लाइन्स जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगा? कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज होगा, ऐसे कन्वर्ज होगा। तो ये सरफेस क्या है? क्लोज सरफेस है। तो मैं बोलूँ कि फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, किस सरफेस? इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? यदि फील्ड लाइन्स किसी सरफेस को क्या कर रहा है, सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस कर रहा है क्या? कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा? फील्ड लाइन सरफेस से क्या होना चाहिए? डाइवर्ज होना चाहिए या इमर्ज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो फील्ड लाइन जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या लाइन्स ऑफ फोर्स लाइन्स आर कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग ऑन द सरफेस, हेंस हेंस फाइ ई विल बी क्या होगा? विल बी निगेटिव। ठीक है, समझ में आया ना? यदि फील्ड लाइन्स क्या है, कन्वर्ज किसी सरफेस पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? उसके सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? निगेटिव होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर यहां भी आप देखोगे कि फ्लक्स इनक्लोज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब यदि सरफेस क्या होगा? क्लोज होगा। देखो ध्यान से, मान लो कि क्या है, सरफेस है, चलो यहाँ डाइपोल आप लोग जानते हो, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये क्या हो गया? माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे सोचेंगे? अभी तो मैंने कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं बताया कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, या इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। अब यहां देखो, सबसे पहले
आपको ये देखना है कि नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, कि फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, कि फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है सरफेस से। यहां देखो आपको यहां ये मालूम चल जाएगा कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होगा, इमर्ज होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। निगेटिव चार्ज पे देखोगे आप ध्यान से तो फील्ड लाइंस क्या होगा, कन्वर्ज होगा, ठीक है। यहां देख सकते हो कि फील्ड लाइंस ऐसे भी क्या होगा, कन्वर्ज होंगे यार, कुछ ऐसे भी, कुछ ऐसे भी। आप सही से प्रॉपर वे से फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होता है और निगेटिव पे क्या होगा, टर्मिनेट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हो गया, ठीक है। तो यहां अभी मैंने बताया था कि देखो समझ में आया ना, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज है और क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। समझ में आया, जस्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने किसी एक क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या किया है, रख दिया है। सरफेस का शेप किसी भी टाइप का हो, ये भी हम लिखेंगे अभी, ठीक है। नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, सरफेस यदि क्लोज होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स फील्ड लाइन इमर्ज होना चाहिए, निगेटिव फ्लक्स फील्ड लाइन कन्वर्ज होना चाहिए, नेट फ्लक्स जीरो होगा तो उसके लिए क्या होगा। अब देखो यहां ध्यान से, जितना फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, ठीक है, उतना ही फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इस क्लोज सरफेस के थ्रू क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग, देखो ध्यान से, इमर्जिंग इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कन्वर्जिंग, ठीक है। जितना फील्ड लाइंस निकल रहा है, क्या हो रहा है, जितना फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है उतना ही फील्ड लाइंस जो सरफेस पे क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी हो रहा है या सरफेस पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूं कि नेट फील्ड लाइंस बाहर कितना जा रहा है या नेट फील्ड लाइंस अंदर कितना आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, नेट जो फ्लक्स होगा यहां हम क्या बोल सकते हैं, फाई नेट, फाई ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था यहां कि, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, तो जीरो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि जितने फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उतना ही फील्ड लाइंस उस सरफेस से निकले, तो हम क्या बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जीरो है। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल देखो, कोई भी ये सरफेस ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस ले लो, ये क्लोज सरफेस है, समझ में आया बेटा, ये क्या है, क्लोज सरफेस है। अभी क्लोज सरफेस दिया हुआ है तो मैंने क्या बताया, पहले चेक करो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना इंटर हो रहा है, ठीक है, उतना ही इमर्ज हो रहा है क्या। तो देखो हम यहां से बोल सकते हैं इस केस में, ये भी फिगर आप देख लो, ठीक है, कि यहां भी क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिविंग द सरफेस। तो यहां भी कोई पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया क्या, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने अभी क्या क्या देखा कि फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है, पहले तो ये दो तीन पॉइंट याद रखना है तुमको, क्या याद रखना है, फॉर क्लोज सरफेस, इसको नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि फॉर क्लोज सरफेस एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके बाद ये सब रिजल्ट देखा गया, ठीक है, कि फॉर क्लोज सरफेस पहला पॉइंट के लिखना है, इफ फील्ड लाइंस आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द सरफेस, देन क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस
इज क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि फील्ड लाइंस क्या है, सरफेस से इमर्ज हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ इफ फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस थ्रू द सरफेस इज निगेटिव। ऑलरेडी मैं डायग्राम ड्रॉ कर चुका, ठीक है, समझ में आया क्या है। तीसरा हमने देखा था कि इफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग इज इक्वल टू, इंटरिंग का मतलब क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग टू द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस देन क्या होगा, फ्लक्स फाई थ्रू द सरफेस मस्ट भी क्या होगा, मस्ट भी जीरो, ठीक है, ये ध्यान रखना। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम पढ़ेंगे, अभी गॉस लॉ ये याद रखना है, फॉर क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है, इसी पे केवल डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट भी लिख सकते हो कि फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द क्या होगा, ऑन द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस शेप एंड साइज क्या होगा, शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, तो फ्लक्स आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा उसको रिकैप कर लेते हैं कि जब भी क्या होगा, क्लोज सरफेस होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि फील्ड लाइंस उस सरफेस से क्या होगा, इमर्ज होगा, आउटवर्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड क्या होगा, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। यदि निगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि यदि फील्ड लाइंस सरफेस पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो हम बोलें कि देयर इज ए निगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हमने ये देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना सरफेस पे इंटर कर रहा है उतना ही सरफेस से बाहर जा रहा है, तो हम बोलें कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस के थ्रू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, याद रखना है कि फॉर क्लोज सरफेस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज्ड इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये भी हम देखेंगे कि चार्ज, आगे मैं प्रूफ करूंगा तो बताऊंगा कि चार्ज कहीं भी रखा हुआ है, सरफेस यदि क्लोज है तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या है, चार्ज के लोकेशन पे से क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। केवल क्या चीज पर डिपेंड करेगा कि चार्ज
क्लोज सरफेस के अंदर कितना इंक्लोज्ड है उसी पे क्या होता है, डिपेंड करता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंटल चीज था या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हमने इस चीज़ को क्या किया, अभी डिस्कस किया कि पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, जीरो फ्लक्स का मतलब क्या होगा, यदि ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है तो उसके लिए फ्लक्स का मतलब क्या होता है। तो फील्ड लाइन्स यदि सरफेस को क्या करे, क्रॉस करे तो हम बोलेंगे फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू है, यदि क्रॉस नहीं कर रहा है तो फ्लक्स नहीं है। समझ में आई बात? अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके बारे में हम अभी देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली अभी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। उसके पहले अपने को एक पॉइंट पढ़ना है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया क्या हम कंसीडर करेंगे यहाँ, वेक्टर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जब ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो किसी सिचुएशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जा रहा है, किसी सिचुएशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, निगेटिव हो रहा है, किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि सरफेस ओपन होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि एरिया क्या होगा, एरिया वेक्टर। यहाँ एक टर्म हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, एन कैप। एन कैप का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल टू द क्या होगा, टू द सरफेस। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। अब यहां आप जैसे मान लो कि ये सरफेस दिया हुआ है, क्या है ये सरफेस है, अभी मैं ओपन सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, समझ में आया? ठीक है, तो यहां एरिया वेक्टर जो है, देखो एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होना चाहिए, इसके प्लेन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आया ना? तो यही दिस इज क्या होना चाहिए, एन कैप। ठीक है, क्या होगा, एन कैप। यदि सरफेस क्या है, सरफेस क्लोज है, ये ओपन सरफेस है, देखो दिस इज क्लोज सरफेस, तो याद रखना है कि ऑलवेज जो एन कैप होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा एन कैप। ठीक है, यहां एन कैप जो होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड जो एन कैप, ऑलवेज हम क्या करेंगे, एरिया वेक्टर आउटवर्ड मस्ट बी कंसीडर एज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव एन कैप, ए आउटवर्ड डायरेक्शन। अब देखो एन कैप हमने क्या बताया, यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, वन होगा। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, वन बताओगे। ठीक है, यहाँ ओपन सरफेस और ये क्या होगा, क्लोज सरफेस। ठीक है, अब दोनों के लिए ऑलवेज क्या करना है, यहां तो अब आपको क्या, आप क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, एन कैप का क्या मतलब होगा कि देखो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द क्या होगा, सरफेस। तो एरिया वेक्टर, एरिया क्या है, ए क्या है, एरिया, एरिया वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, एंड इसका जो डायरेक्शन होगा, याद रखना है कि ए कैप का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एन कैप। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द क्या होगा, एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ
एरिया वेक्टर, ठीक है। अलवेज क्या होगा, अलवेज नॉर्मल टू द क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर क्या है, इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सरफेस। इस सरफेस के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, समझ में आया ना, ये सरफेस नहीं, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये वाला सरफेस, सरफेस के क्या होगा, एरिया के इक्वल होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन होगा उस सरफेस पे अलवेज क्या होगा, नॉर्मल होगा। जैसे मान लो कि ये क्या है, एरिया है, ये सरफेस है, तो मैं बोलूं कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो अलवेज क्या होगा, इस सरफेस के क्या होगा, प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। अब ओपन सरफेस है तो एरिया वेक्टर आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान देना है कि जब भी क्लोज सरफेस होगा तो अलवेज कंसीडर एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। ओपन सरफेस है तो आप कैसे भी एरिया वेक्टर कंसीडर कर लो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब क्लोज सरफेस दिया हुआ है देन अलवेज कंसीडर एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन आपको कंसीडर करना है। तो ये समझ में आया कि एरिया वेक्टर क्या का मतलब क्या होगा, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन सरफेस एंड हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द गिवन सरफेस, ठीक है। तो नोट में यहाँ याद रखना है कि फॉर क्या होगा, फॉर क्लोज क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज टेकन ऑलवेज आउटवर्ड। समझ में आया ना, क्या है, फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज टेकन ऑलवेज आउटवर्ड, आई मीन आउटवर्ड डायरेक्शन, आप इनवर्ड डायरेक्शन नहीं दिखा सकते। यदि सरफेस ओपन है तो आप ऐसे भी एरिया वेक्टर दिखा सकते हो, एरिया वेक्टर एन कैप का डायरेक्शन ऐसे भी दिखा सकते हो कन्वर्जिंग नेचर का, लेकिन यदि सरफेस क्या होगा, क्लोज होगा, तो एरिया वेक्टर आपको कैसे सिलेक्ट करना है, ऑलवेज क्या होगा, आउटवर्ड। जैसे कोई भी, जैसे सिंपल देख लो, ये सिलेंडर है, ठीक है, समझ में आया, ये क्लोज सिलेंडर हो गया, तो यहाँ तीन एरिया वेक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं। देखो यही सिलेंडर है, तो एक तो लैटरल सरफेस होगा, एक अपर कैप, और एक क्या होगा, नीचे। तो इधर जो एरिया वेक्टर एक ये हो गया, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसको मैं एन कैप ड्रॉ कर देता हूँ, एलवेज इधर होगा। एक लैटरल सरफेस है, तो इस पर जो यूनिट वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, आई मीन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एन टू कैप क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यदि यहाँ लोअर कैप पे ड्रॉ करोगे तो एन थ्री कैप क्या होगा, समझ में आई बात। तो एरिया वेक्टर जो होगा अलवेज क्या होगा, क्लोज सरफेस होगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलवेज किधर कंसीडर करना है, आउटवर्ड आपको कंसीडर करना है, इनवर्ड नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। ये समझ में आया एरिया वेक्टर के बारे में, बस नहीं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, जस्ट ट्रेलर देख रहे थे, आई मीन फ्लक्स का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, जीरो फ्लक्स का मतलब क्या होगा, उसके बारे में हम देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ठीक है। अब देखो, कोई हमने क्या किया, एक सरफेस कंसीडर किया, ध्यान देना, ये सरफेस हमने लिया, ठीक है। इसका जो एरिया है उसको मैंने क्या मान लिया, डी ए, ठीक है, क्या माना हमने, डी ए माना। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस इधर है, और यही देखो ध्यान से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, और इनके बीच जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। समझ में आया क्या, क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। ये डिफरेंशियल एरिया है, कोई हमने सरफेस माना जिसका एरिया क्या है, डी ए दिया हुआ है। तो पहले यदि मैं डी ए वैक्टर लिखूँ तो डी ए वैक्टर क्या होगा बेटा, बता सकते हो आप, एन कैप इंटू क्या लिखोगे, डी ए, अभी बताया हूँ, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस को हम क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, देखो डी फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस डिफरेंशियल सरफेस,
क्या होगा? ई डॉट क्या होगा? डी ए क्या होगा? ई डॉट क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए हो जाएगा। समझ में आया ना? क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए क्या होगा? ई डॉट डी ए। इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड क्या होगा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज क्या होगा? फ्लक्स थ्रू डी ए। दिस इज क्या होगा? एरिया वेक्टर और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, क्या होगा? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब आपको टोटल फ्लक्स लिखना है, तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे। यहाँ यदि मैं लिखूं कि फाई टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेशन ई डॉट क्या लिखेंगे? डी ए। क्या लिखेंगे हम? ई डॉट डी ए। ठीक है, अब सरफेस क्या हो सकता है? ओपन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? क्लोज हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था, यहाँ नेट फ्लक्स थ्रू द क्या होगा? सरफेस। ठीक है, अब सरफेस क्या हो सकता है? ओपन सरफेस हो सकता है, प्लेन सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ इसमें मैं ये जनरल डेफिनेशन हुआ, फिर हम आते हैं यहाँ लिखेंगे नो। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इफ सरफेस इज क्या हो जाएगा? प्लेन दैट इज क्या लिखेंगे? एरिया जो हो जाएगा, एरिया वेक्टर दैट इज एन कैप जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो सरफेस जब प्लेन हो जाएगा, ठीक है, तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, जैसे ये सिंपल ये प्लेन सरफेस है, इसके थ्रू आपको मान लो कि इसका एरिया क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, यही क्या हो गया? एन कैप हो गया। तो यहाँ जब मुझे एरिया वेक्टर क्या हो गया? प्लेन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बता सकते हो? फाई, देखो फाई ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ई, ठीक है, डॉट ए, यही लिखेंगे। ठीक है, का इंटीग्रेशन, एरिया सेम हो गया, यही होगा ना? ई डॉट ए का हम इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? ई डॉट ए इज इक्वल टू, ठीक है, हमें यहाँ इंटीग्रेशन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा हमने क्यों लिखा, ये समझ में आया क्या? या हम सरफेस लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं? प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ऐसे लिखो। ठीक है, एंड ई इज क्या मतलब क्या हो गया? ई इज कॉन्स्टेंट, देखो ध्यान से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लो, और डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, डी ए का मतलब क्या हो जाएगा? डी ए का मतलब क्या होगा? टोटल, तो हम लिख सकते हैं ई, ठीक है, ई डॉट क्या होगा, और इसको ई भी लिख सकते हैं, ई ए क्या होगा? कॉस थीटा। समझ में आया क्या? क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। तो कोई भी यदि सरफेस दिया हुआ है, प्लेन सरफेस है, ठीक है, क्या होगा? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब क्या होगा? कि एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ई ए, ई डॉट ए, क्या लिखेंगे? ई ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? ई ए कॉस थीटा। तो
तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि सरफेस जो होगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस जो होगा वो क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर एंड एंगल बिटवीन क्या है, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच क्या है, एंगल पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अब यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं, समझ में आया ना, इफ द सरफेस क्या होगा, प्लेन होगा। अब प्लेन बोलोगे सर प्लेन सरफेस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं जो आगे हम क्या करेंगे उसको देखेंगे। लेकिन यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेशन साइन से क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, और बाहर लेने के बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे। और इन जनरल यदि क्लोज सरफेस दिया हुआ है तो हम सिंपल क्या लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस सर्कल का मतलब क्या होगा कि क्लोज सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज डन ओवर क्लोज सरफेस। समझ में आया, फ्लक्स ये सर्कल जब हमने ड्रॉ कर दिया इसका मतलब ये होता है कि हमने जो इंटीग्रेशन कंसीडर किया है वो ओवरऑल ओवर क्लोज सरफेस पे हमने इंटीग्रेट किया। समझ में आया क्या, तो यदि क्या होगा सरफेस क्या होगा, ओपन होगा, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे सिंपल लिखाएंगे, सरफेस क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट हो, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। अब बोलोगे सर ऑलवेज सरफेस ओपन ही होगा, नहीं ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, तो हर केस में हम क्या करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जनरल डेफिनेशन क्या है, ठीक है, अब यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस डिपेंड ऑन क्या होगा, ओपन सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना क्या क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है, बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन, जो मैंने लिखा था एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है, क्या होगा, ए वेक्टर, दैट इज थीटा। यहाँ जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, कि अभी देखो ध्यान से, बस ये तुमको ये समझना है, यही एरिया वेक्टर है, ठीक है, दिस इज एन कैप, ऑलवेज क्या है, ओपन सरफेस होगा तो आउटवर्ड, यहाँ देखो फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, ये थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है, थीटा यहाँ देखोगे तो थीटा क्या है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि फाई ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देखो यहाँ वैल्यू रख करके, ठीक है, दिस इज ई, ठीक है, यहाँ आप देखोगे ये कोई सरफेस है, या ये देखो दिस इज एन कैप, यहाँ आप देखोगे कि फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, आई मीन ये वाला हमने थीटा मान लिया, ठीक है, तो आप बता सकते हो ये थीटा होगा या ये थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा ना यार, ये थीटा होगा, तो यहाँ जो थीटा है आप बता सकते हो, यहाँ थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो कॉस जो थीटा होगा लेस देन जीरो होगा, और यहाँ फाई जो होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, फ्लक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, ठीक है, समझ में आया। एक यहाँ देख लो, ओपन सरफेस की मैं बात करूँ तो हम कैसे सोचेंगे उसको, ये वाला सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ दिस इज डायरेक्शन ऑफ एन कैप, एंड दिस इज ऑल्सो क्या है, यहाँ देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, आउटवर्ड है इस चीज़। तो यहाँ एन कैप इज पैरेलल टू क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाई ई जो होगा क्या हो जाएगा, इस सरफेस के थ्रू कितना होगा, फाई ई मैक्स होगा, और ये कितना हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल ई इंटू। तो फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो का मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज क्रॉसेस द सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस, क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो ई हो सकता है, और मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, माइनस ई इंटू ए हो सकता है। ठीक है, समझ में आया क्या, क्या होगा, प्लस पॉजिटिव फ्लक्स भी हो सकता है, निगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है, और जीरो फ्लक्स भी हो सकता है। ठीक है, जीरो फ्लक्स क्या होगा, अब मैंने बताया था, देखो ये डायग्राम फिर से देख लो यहाँ, कि यहाँ ये सरफेस है एन कैप, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ देखो थीटा तो पहले कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस क्या होगा, 90 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि सरफेस कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और एरिया वेक्टर का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, आई मीन एन कैप क्या हो, कांस्टेंट हो, प्लेन भी कोई जरूरी नहीं है, सरफेस प्लेन भी नहीं हो, कांस्टेंट हो, तभी भी हम उसका यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ आगे जब एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ कुछ पॉइंट हम फ्लक्स के बारे में नोट कर लें, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये लिखना जरूरी है कि क्या होगा, फ्लक्स इलेक्ट्रिक आई मीन फाई ई थ्रू, ठीक है, थ्रू एनी सरफेस, एनी सरफेस क्या होगा, मे बी क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव एंड जीरो, डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ओपन सरफेस, इन द क्या होगा, इन द फील्ड। ठीक है, देख रहे हो ना, ये ओपन सरफेस है, तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो रहा है, निगेटिव भी हो रहा है, और क्या है, जीरो हो रहा था। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट क्या है, फ्लक्स इज ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, फाई इज ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा बेटा, लिख सकते हो फाई पहले एस यूनिट, यूनिट ऑफ फाई ई क्या होगा, यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही होगा क्या, अरे सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद डायमेंशन जब फ्लक्स का लिखोगे तो क्या होगा बेटा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन का क्या होगा एम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर कूलम का क्या होगा क्यू माइनस वन, यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि
अब जब आप क्लोज सरफेस रखोगे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्या होगा गिवन एज फाई, देखो ई इज इक्वल टू फाई वन प्लस क्या होगा फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस क्या होगा फाई फोर एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, अब हम क्या करेंगे क्लोज सरफेस को डिफरेंट क्लोज सरफेस होगा, जैसे देखो ध्यान से, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये सिलेंडर है, जैसे एक एग्जांपल देखो इसका यूज क्या है, ये सिलेंडर दिया हुआ है बेटा ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है इसका एक्सिस, ठीक है, समझ में आया क्या है, ये सिलेंडर है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एक्सिस, ठीक है, और फील्ड क्या है यूनिफॉर्म है, तो देखो सरफेस कितने हो सकते हैं, देखो एक सरफेस ये हो सकता है, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं सरफेस वन, एक सरफेस बेटा ये हो सकता है, इसको मैं सरफेस टू लिख रहा हूँ, और एक लैटरल सरफेस हो सकता है ये वाला सरफेस थ्री। तो यहाँ तीनों सरफेस के थ्रू हम क्या करेंगे, अब इसके थ्रू यदि मैं लिखूँ दिस इज क्या होगा फाई वन का मतलब क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फाई टू का मतलब क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, और F3 का मतलब क्या होगा इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा उसको हम क्या लैटरल सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा उसको हमने क्या मान लिया फाई थ्री, इस कैप दो कैप होगा ना यार, ये सिलेंडर मान लो तो एक बॉटम कैप और क्या होगा टॉप कैप, इसको कैप बोल सकते हो, ठीक है, कैप वन ये क्या हो गया कैप टू हो गया और ये लैटरल सरफेस हो गया, आपसे कोई पूछे कि सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, क्या होगा फ्लक्स थ्रू क्या होगा, यहां देखो फाई सिलेंडर मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फाई वन प्लस क्या लिखेंगे फाई टू प्लस क्या होगा फाई थ्री, यही क्या हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। अब अलग अलग हम क्या करेंगे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और देखो ये सरफेस क्या है क्लोज सरफेस है, तो अलग अलग हमने क्या किया फ्लक्स लिखा और फ्लक्स लिख करके हमने क्या किया इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हो इज गिवन एज दिस, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ फ्लक्स निकालना है तो मैंने बताया था कि जब भी सरफेस क्या हो क्लोज हो तो आउटवर्ड एन कैप का डायरेक्शन किधर कंसीडर करना है आउटवर्ड सरफेस से आउटवर्ड कंसीडर करना है, तो देखो इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है इधर है, समझ में आना, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यहां बेटा जब तुम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कंसीडर करोगे इधर देखो यहां तो ये किधर होगा इसको मैं मान लेता हूं एन टू कैप, ठीक है, यहां जब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो किधर होगा एन वन कैप, यही होगा ना यार, यही डायरेक्शन होगा क्योंकि सरफेस के क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड होना चाहिए, यदि आप इधर कंसीडर कर रहे हो तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर और क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं देखो फ्लक्स कैसे निकालना है, देखो ये प्लेन सरफेस हो गया क्या, ये प्लेन सरफेस हो गया, तो अभी बताया था प्लेन सरफेस के लिए ई डॉट ई बताया था तुमको, बताया था क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है कॉन्सेप्ट देखो फाई ई इक्वल टू क्या होगा ई ए कॉस थीटा, थीटा क्या है एंगल, यहां देखो तो थीटा क्या है, देखो दोनों एंटी पैरेलल है क्या, तो यहां थीटा कितना हो जाएगा इस जगह में
थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ देखो इस केस में दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप मुझे बताओ देखो फाई टू कितना होगा, फाई वन कितना होगा, फाई वन ऐसे भी सोच सकते हो, देखो इस सरफेस से फील्ड लाइंस इमर्ज हो रहा है तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और देखो एन कैप और ई का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो हम लिखेंगे ई इंटू ए कॉस 0, आई मीन क्या होगा ई ए, ठीक है समझ में आया, क्या होगा ई ए। उसके बाद देखो फाई टू कितना होगा बेटा, फाई टू इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ क्या है थीटा कितना है 180 डिग्री, तो क्या लिखेंगे ई ए, ठीक है कॉस 180 आई मीन क्या हो जाएगा माइनस ई, ठीक है। और फाई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे ई ए कॉस 90 डिग्री आई मीन क्या हो गया 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीनों ऑल सरफेस के थ्रू हमने अलग अलग फ्लक्स लिख दिया, और फिर हम क्या करेंगे वी विल ऐड दिस, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, फाई वन प्लस फाई टू प्लस क्या हो जाएगा फाई थ्री इक्वल टू 0 हो गया क्या। अरे यार ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया इसके थ्रू। अब बोलोगे सर आप कैसे, तो मैंने ये बताया था कि कोई क्लोज सरफेस है जितना फील्ड लाइंस उस सरफेस में इंटर कर रहा है उतने ही फील्ड लाइंस उस सरफेस को छोड़े तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये मत बोलना कि हर सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होगा, नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। एक मेथड ये था। दूसरा क्या है कि देखो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या होगा सरफेस, यहाँ चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस क्या है, 0 है। एक एग्जाम्पल ये था। दूसरा एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। तो यहाँ से ये मालूम चल गया कि क्या होगा कि अब तुमको एक पॉइंट नोट में रखना है, इफ एनी क्लोज सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस विल बी ऑलवेज 0 इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज, ठीक है, क्या होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, समझ में आया ना। एक एग्जाम्पल ये था, ये बोर्ड में जनरली आता है क्वेश्चन, जेई में तो नहीं आएगा यार, लेकिन बोर्ड में आता है, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लो फिर तुमको समझ में आएगा। तो समझ में आया, अलग अलग सरफेस के थ्रू हम क्या करेंगे फ्लक्स लिखेंगे और फिर क्या करेंगे उसको स्केलर की तरह ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो। अब क्या है, देखो सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज एक्सिस, और एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक है, ऐसे देखो ध्यान से क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये ई है, ई क्या है यूनिफॉर्म है, देखो यहां दिस इज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, क्या होगा एक्सिस ऑफ द क्या हो जाएगा सिलेंडर। अब देखो यहां एक कैप ए हो जाएगा, एक कैप ए हो जाएगा, एक एरिया है, एक एरिया है, इसके थ्रू यहां देखो इसके थ्रू कुछ फ्लक्स होगा क्या, देखो यहां ए एन वन कैप हो गया, ठीक है, ई का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो इसके थ्रू यदि मैं फाई वन मानूँ तो फाई वन 0 हो जाएगा यार, अरे कॉस 90 0 हो जाएगा। सिमिलरली देखो ध्यान से, इसके थ्रू यदि मैं एन कैप इधर मान लूँ एन टू कैप, यहाँ भी देखो ध्यान से एरिया वेक्टर ऐसे है, और तो यहाँ भी एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, आई मीन इधर भी फाई टू क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 किस इस सरफेस के द्वारा, समझ में आई बात। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपसे पूछा गया है कितना होगा, तो देखो आप ध्यान से देखना, जो आप ऐसे आप सोचो थोड़ा सा यहाँ कि मान लो कि सिलेंडर है तो सिलेंडर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो,
इस हाफ पार्ट पे इधर जो एरिया होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ई और ए के बीच एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस इधर हाफ पार्ट में, आई मीन इस हाफ पार्ट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इधर हाफ पार्ट्स पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ हम ये लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं बेटा, ये याद रखना। तो पॉजिटिव फ्लक्स कोई पूछे कितना होगा, तो फाई वन, आई मीन मैं लिखूंगा यहाँ देखो, फाई पॉजिटिव फ्लक्स इंटर। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है, क्या है, कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो देखो यहाँ ध्यान से, मैं डायग्राम तुमको ड्रॉ करके थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये हेमी, आई मीन हाफ सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यही हाफ सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, हाफ सिलेंडर हो गया। हाफ वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ जस्ट समझने के लिए, ठीक है। देखना यहाँ से, ये वाला हमने नहीं कंसीडर किया है कि हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से। ये मान लो कि सिलेंडर का लेंथ क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का लेंथ है जस्ट समझाने के लिए, और रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो देखो ये हाफ पार्ट होगा, यहाँ फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, यदि मैं ये बोलूँ कि नहीं यहाँ फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है ना यार इस सरफेस से ऐसे। जब तुम क्या करोगे, याद रखना, जैसे सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, हाफ सिलेंडर दिया हुआ है, उसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, एक रेक्टेंगल बनेगा क्या, ध्यान से देखना, रेक्टेंगल क्या होगा, अरे इस पर लाइट फॉल कराओ तो एक जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा, और प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा वो क्या होगा, सिंपल रेक्टेंगल हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा जिसका लेंथ क्या होगा, याद रखना है एल, ठीक है, और सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है। तो जब भी इधर हाफ पार्ट ऐसे कट कर दो, इसका जब प्रोजेक्शन देखोगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो ये एरिया हमेशा क्या करते हैं, यदि इस टाइप का फिगर दिया हुआ तो प्रोजेक्टेड एरिया हम कंसीडर करते हैं। और भी मैं एग्जांपल बताता हूं तुमको, फिर हम लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फाई पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr एल इंटू क्या होगा, देखो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कितना फ्लक्स निकल रहा है, 2πrL इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और फाई क्या हो जाएगा, निगेटिव, आई मीन कितना फ्लक्स क्या हो रहा है, इंटर कर रहा है, आई मीन फील्ड लाइन्स इंटर कर रहा है, ये कितना हो जाएगा, -2πrL इंटू, अरे एरिया प्रोजेक्टेड एरिया तो रेक्टेंगल ही बनेगा ना यार, हाँ फील्ड लाइन्स क्या हो रहा है, सरफेस पे इंटर कर रहा है, तो जितना इंटर कर रहा है उतना ही क्या होगा, इमर्ज करेगा। इसलिए फाई जो होगा, देखो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, फाई टोटल लिखेंगे, तो फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई पॉजिटिव, ठीक है, प्लस क्या होगा, फाई निगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, क्या है, निगेटिव। यहां देखो अगला एग्जांपल देखो, एक ये भी देखना ध्यान से, एक कौन है, ठीक है, ये क्या है, कौन है। यहाँ तुमको क्या करना है, प्रोजेक्टेड एरिया, आगे मैं प्रूफ कर दूंगा कि प्रोजेक्टेड एरिया हम क्या क्यों कंसीडर करते हैं। अभी समझ जाओ कि इधर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ भी क्या है, एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये कौन है, दिस इज कौन, दिस इज एक्सिस, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये देखना एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये बेस एरिया हो गया। अब देखो यहां हम कैसे लिखेंगे, सिंपल याद रखना है। अब तुम देखो यहां इसका अगेन मैं लेंथ मान लेता हूं, ये वाला हाइट जो है एच है,
ठीक है, और ये रेडियस जो है आर। अब तुम बताना कि यहाँ फ्लक्स, देखो यहाँ फ्लक्स फाई पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स लीविंग द सरफेस, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिखे, ई इंटू क्या लिखेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया ऑन द क्या होगा, ऑन द एक्सिस ऑफ द क्या होगा, प्रोजेक्टेड एरिया अलोंग द एक्सिस, ऑन द एक्सिस नहीं, अलोंग द एक्सिस ऑफ द कोन, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फील्ड लाइंस निकल रहा है। अब देखो यहां हम सोच सकते हैं, तो फाई का मतलब देखो यहां, देखो यहां ये ड्रॉ करोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, देखो ध्यान से, ये एक्सिस है, मैं ऐसे थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये दो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, देखो ध्यान से। इधर से लाइट फॉल कराओ, इधर से लाइट फॉल कराओगे तो ऐसे क्या होगा, देखना ऐसे इसका प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल को ज्वाइन करेंगे, ऐसे प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा बेटा ऐसे, ठीक है। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आर, और ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। तो आपसे यहाँ प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2R इंटू क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा R इंटू एच। तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव होगा, अरे जितने फील्ड लाइंस, एरिया तो दोनों में कॉमन हो गया ना यार, तो मैंने बताया था कि ओपन सरफेस यदि है और जितना फील्ड लाइंस उस सरफेस को इंटर कर रहा है उतना ही यदि उस सरफेस से निकले भी, तो हम क्या बोल देंगे, एक तरफ पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा ना। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो कि मान लो यही ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, इधर से 10 फील्ड लाइंस क्या हो रहा है इंटर कर रहा है, मान लो कि दो फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है और दो फील्ड लाइंस क्या हो रहा है निकल रहा है, तो एरिया तो सेम ही हो गया ना, इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा सेम हो गया, और फील्ड लाइन जितना इंटर कर रहा है उतना ही क्या हो रहा है निकल रहा है, तो हम यहाँ बोल देंगे ना कि फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा निगेटिव फ्लक्स होगा, इसके थ्रू तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में, या फ्लक्स लिविंग द सर्फेस, तो ई इंटू क्या होगा, देखो आर इंटू क्या हो जाएगा एच। निगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा कि कितना फील्ड, निगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होगा माइनस ई इंटू आर इंटू एच। तो फाई टोटल जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाई पॉजिटिव, ठीक है, प्लस क्या होगा फाई निगेटिव इक्वल टू क्या लिख दोगे जीरो। इसे ये मालूम चल रहा है, ध्यान देना कि जब भी क्या होगा नोट में लिख लेना कि वेन एवर ए क्लोज सरफेस किसी भी टाइप का हो, यहां भी देख लो, एग्जाम्पल देख लो तुम, अगला एग्जाम्पल भी देख सकते हो, हालांकि इसका किसी भी शेप का हो, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, समझ में आया, और इसको क्लोज सरफेस को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया गया है रख दिया गया है, क्या किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। तो आंख बंद करके मुझे क्या करना है, फाई इक्वल टू क्या लिख देना है जीरो लिख देना, ठीक है, क्या करना है फाई इक्वल टू क्या करना है मुझे जीरो लिख देना, जब भी क्या होगा कोई भी क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है जीरो होता है, इस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप एंड साइज। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट में आपको क्या करना है लिख लेना है, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी क्या होगा इरेगुलर, क्या होगा इरेगुलर शेप एंड साइज होगा तो प्रोजेक्टेड एरिया तुम क्या करो, प्रोजेक्टेड एरिया से सोचो, ठीक है। जैसे अभी कोन के केस में देखा था, सिलेंडर के केस में देखा था, फ्लक्स जीरो हो रहा है इसका मतलब क्या है, कुछ फ्लक्स पॉजिटिव होगा कुछ फ्लक्स क्या होगा निगेटिव होगा,
तो प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे, उस पर जो फील्ड लाइन जब इंटर करेगा तो उसके द्वारा फ्लक्स निगेटिव होगा, फील्ड लाइन जो इमर्ज करेगा उसके द्वारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा, एरिया सेम है, एरिया कॉमन है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नोट में सुंदर से अक्षर में यहाँ लिख लेना, इसको ध्यान रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सरफेस प्लेस्ड, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ठीक है, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। इससे मालूम चला कि किसी भी क्लोज लूप को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी टाइप का क्लोज लूप है, ठीक है, उसको आप यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है बेटा, जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो फ्लक्स का मतलब यहाँ समझ में आया कि जितना फील्ड लाइन्स इंटर हो रहा है उतना ही फील्ड लाइन्स क्या होना चाहिए, उस सरफेस से इमर्ज होना चाहिए, तो हम बोलें कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब यदि क्या होगा फील्ड, अब यही देखो यहाँ, यदि क्या होगा फ्लक्स फील्ड, जो अगला एग्जांपल देख लो, ये केवल यूनिफॉर्म के लिए है। ठीक है, मान लो कि एक सिलेंडर है, ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ क्या है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मान लो कि यहाँ फील्ड का वैल्यू क्या है, यहाँ फील्ड जो है ई जो दिया हुआ है, ई इक्वल टू ए एक्स आई कैप। ठीक है, क्या है, ए एक्स आई कैप। इस सिलेंडर का लेंथ दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इसका रेडियस क्या दिया है बेटा, आर दिया। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ आप ध्यान देना कि क्या है, इसको हमने कहाँ रखा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ई का वैल्यू एक्स के साथ क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ई का जो वैल्यू है वो एक्स के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फ्लक्स लिखना। अब देखो ये यहाँ आपको क्या करना है, नेट फ्लक्स। अगेन तीन सरफेस हैं, ये क्या है, अब यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड क्या करना है, फाइंड फाई टी, फाई टोटल। ठीक है, अब यहाँ भी तीन सरफेस हैं, एक लैटरल सरफेस हो गया तो चलो इनके अलोंग यूनिट वेक्टर एन कैप, एक ये वाला सरफेस हो गया तो अलवेज आउटवर्ड लेते हैं तो इसको एन थ्री मान लो, इसको एन टू कैप मान लेता हूँ, और इसको मैं मान लेता हूँ इसके अलोंग जो एरिया वेक्टर है, ऑलवेज क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर बेटा किधर लेना है, आउटवर्ड। ठीक है, क्या करना है, एरिया वेक्टर हमको आउटवर्ड लेना है। अब यहाँ देखो जहाँ फ्लक्स निकालना है, मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई वन। देखो तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, यहाँ तुमसे मैं बोलूँ कि E का जो वैल्यू बताओ, E2, आई मीन इस जगह, तो क्या लिखोगे, E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, एल ए आई कैप, यही होगा बेटा। ठीक है, यहाँ इधर कुछ भी होगा लेकिन ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि फाई थ्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लैटरल सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखोगे इस सरफेस के थ्रू तो फ्लक्स कितना होगा, अभी फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या होगा,
बताओ ई ए कॉस थीटा, यहाँ फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? देखो तो ये जीरो हो जाएगा क्या, क्योंकि ई ही जीरो है यार, ठीक है। यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? देखो तो फाई टू इक्वल टू क्या होगा, ई टू ए कॉस जीरो, और ई टू का वैल्यू रख दो तो एल ए इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा क्या? देखो यहाँ फ्लक्स क्या हो गया फाई टू। अब फाई टोटल जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, फाई वन प्लस फाई टू प्लस क्या लिखोगे, फाई थ्री, और ये जीरो है, जीरो प्लस क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एल इंटू ए, तो फाई टोटल क्या हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल ए हो गया, ये टोटल फ्लक्स हो गया। तो यही देखो, यदि हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फ्लक्स जो है वो क्या है, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ फ्लक्स जीरो नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। एक होमवर्क मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग, ठीक है। सेमी क्वेश्चन को देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुमको थोड़ा डाउट नहीं हो थोड़ा भी, ठीक है, समझ में आया? ये देखो ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अगेन इसका लेंथ जो है वो क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है सिलेंडर का वो क्या है, आर है। यहाँ भी यहाँ ये समझ में आया, ई क्या है, ई वाज नॉट कॉन्स्टेंट, आई मीन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी है ई, कहीं भी दिया हुआ, देखो ई इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है। इस सिलेंडर को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दिया हुआ है ई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर आई कैप में रख दिया गया है, तो फाइंड आपको अगेन क्या करना है, फाइंड फाई टोटल थ्रू सिलेंडर, इस सिलेंडर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो आपको क्या करना है, याद रखना है। किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकला है तो क्या यूज करना है, ई ए कॉस थीटा। अगेन देखो, एक सरफेस ए हो जाएगा, मैं थोड़ा आपको बता दूं, एक सरफेस ए, इधर अलवेज एन कैप किधर मानना है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड पॉजिटिव, इधर एन कैप मान लो, एन टू कैप मैं मान लेता हूँ, इधर आप क्या मान लो, एन थ्री कैप एरिया वेक्टर का, यहाँ ई टू लिखो, ई टू वैक्टर लिख दो, यहाँ इवन ई थ्री वैक्टर लिखो, ठीक है, और यहाँ ई टू वैक्टर लिखो। इसके थ्रू तो अलवेज, क्योंकि फील्ड लाइन्स कैसे ऐसे है, इधर तो फाई टू अलवेज क्या होगा, जीरो होगा। अब फाई वन फाई टू, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, ई डॉट ए यूज करो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ई डॉट ए यूज करो, टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, फाई टू इक्वल टू दैट विल बी फाई वन प्लस फाई टू प्लस क्या हो जाएगा, फाई थ्री, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर लेना, ये होमवर्क है, ठीक है। सलेस कितना टाइम हो, समझ में आया? तो ये फ्लक्स कितना टाइम हुआ, ठीक है। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस और गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना, ये होमवर्क एक मैंने दिया है, इसको ट्राई कर लेना, और अगला जो क्लास होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा, और प्लस इंटरेस्टिंग आई मीन फिजिक्स तो ऐसे भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, ऐसा मैं नहीं तुम लोग मानते हो, क्योंकि हम जब फिजिक्स को रट के पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो इसके आगे वाले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम जिसको बोलते हैं, और फिर सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और उसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, या यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे यूज गॉस लॉ यूज करके, या फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बेटा इतना ही, अच्छे से पढ़ो, इसका नोट्स बनाओ, और डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो। ओके, थैंक यू।